नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया ने कहा कि जब देश में आजादी के बाद केंद्र में कांग्रेस का लंबे समय तक राज रहा तब वो मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित क्यों नहीं कर पाए, क्या तब नींद आ रही थी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। शुक्रवार को डूंगरपुर में भाजपा की बैठक में शामिल होने आए कटारिया से पत्रकार टीवी संवाददाता मुकेश हिंगर ने बातचीत की। समय नहीं दिया क्योंकि सरकार बनते ही देश की स्वतंत्रता के आंदोलन के बाद सरकार उन्होंने ही चलाई, केंद्र में भी वहाँ चलाई, राजस्थान में चलाई। आप जैसे लोगों ने तो इस स्वर्णिम प्रश्न को पड़ी हुई धूल को उठाने का भी प्रयास नहीं किया कि मानगढ़ में भी कुछ हुआ था। ये तो विद्यार्थी परिषद संघ की बदौलत इस मानगढ़ को हम बाहर लाए और उसके कारण से मानगढ़ बना। अब आपके तो राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो, आपने यार 8-8, 10-10 सरकारें वहाँ दिल्ली में चलाई थी, तब वह क्या नींद आ रही थी क्या? और आप भी तो इसके पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री रह गए ना 98 में, तब आपने एक पत्थर भी यहाँ लगाया क्या? वो बताते हो तो सही, कम से कम आप कर नहीं सके। अब करने के लिए जब देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि इसको इतना ऊंचाई मिलेगी, तो अब उसमें से मांगे को हम बाहर लगा रहे हैं, ये घोषित करो। अरे आप ही राजस्थान की तरफ से तो कुछ तो घोषित कर दो यार के 10-20 करोड़ रुपया, मैं भी राजस्थान सरकार की तरफ से इसके विकास के लिए लगाऊंगा। सौभाग्य ये है कि देश के प्रधानमंत्री इसको एक राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में बनाने के लिए स्वयं नहीं अपनी स्वेच्छा से चल करके स्थान का चयन करके इसको राष्ट्रीय स्मारक बनाने के मन बना करके इस कार्यक्रम को करने का, ये हमारा सौभाग्य है और इस क्षेत्र का सौभाग्य है, इस धरती का सौभाग्य है। और गोविंद गुरु के इस बलिदान को इस ऊंचाई पर ले जाने का जो उन्होंने मन बनाया, हम सब लोग उनका बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं।